हम लोगों को इधर दमन होने से हम लोगों को चप्पल भी नहीं मिलता था, ऐसे पैदल बिना चप्पल का चलना पड़ता था, पानी नहीं मिलता था, बहुत सारे मुश्किलें पार करना पड़ा। टेंट लगाते हैं, टेंट लगाते हैं, पर सोने का कोई टाइम फिक्स नहीं। नहीं, खाने पीने का बोलने से पूरा गांव वाले मदद करते हैं, चावल दाल चावल ये सब गांव वाले देते हैं। तो खाना वही बनता है जंगल में, बनाते हैं। जितने भी लोग वहाँ पे आए थे सबको जबरदस्ती उठा के लाया गया था? कोई कोई ऐसे सबको जबरदस्ती नहीं ले जाते हैं, अपना मन से गाना चौकिंग रहता है, राइफल का चौकिंग रहता है, अपना मन से भी बढ़ते हो जाते हैं। नक्सल का नाम आपने बहुत बार सुना होगा, हम कहें तो बार बार सुनते हैं और अभी भी सुन ही रहे हैं लगातार। आज हम दंतेवाड़ा ज़िले में खड़े हैं और दंतेवाड़ा ज़िले में आपको एक ऐसी महिला से मिलवाने वाले हैं जो 10 साल नक्सल में रही और अभी 8 साल उनको लगभग 8 साल हो गए हैं जो उन्होंने छोड़ चुकी हैं, करीब 29-30 साल की हैं। तो कैसे यहाँ के लोग जो दंतेवाड़ा के हैं, जो बस्तर के लोग हैं, कैसे नक्सल में जाते हैं, क्या उसकी वजह होती है, क्या उसका कारण होता है, नक्सलियों का जीवन कैसा होता है, और ये एक आत्मसमर्पित नक्सल रही हैं, एक महिला हैं। तो सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल सेट्स अप रूरल इंडिया में। आपका पूरा नाम क्या है? सुंदरी। सुंदरी, थोड़ा बताइए कि ऐसी क्या वजह बनी जो आपको नक्सल बनना पड़ा? मैम, हम लोगों का मतलब मेरा गांव है बहुत नक्सली क्षेत्र एरिया की है। कौन सा गांव है आपका? नारायणपुर और चबटवेड़ा। अच्छा, वो दंतेवाड़ा से कितना दूर होगा? बहुत दूर है मैम, पता नहीं कितना किलोमीटर है। अच्छा, जगदलपुर से जाना पड़ता है। अच्छा अच्छा, आप बस्तर ज़िले की हैं कि दंतेवाड़ा ज़िले की हैं? बस्तर की। अच्छा जी। तो मैं बचपन में बहुत गाना गाया करती थी, तो गए सराहने गई थी, वहीं से एक राजमन नाम का आया और मेरे पिता चले गए। तो उधर ले जाने के बाद भी मेरा पिता जिंदा था तो जाने नहीं दिया था, फिर भी तेरा बेटी को नहीं देंगे तो हम लोग जमीन नहीं देंगे आपको बोल के ऐसे डराए, तो छोड़ दिए बात में। उसके बाद 2002 से है, तो 2002 6 साल के बाद मैं 2007 में घर देखने आई थी, तो घर देखने आने के बाद मेरे मम्मी पापा लोग कथा हो गए थे। अच्छा जी, तो आपको कितने साल की उम्र में लगभग लेके गए? मैम, मैं 15 साल की थी, छोटी सी थी, मतलब बच्चे लोगों के साथ रही थी। और कितने साल आप रही वहाँ पे? 10 साल में। 10 साल में जी। थोड़ा वहाँ के जीवन के बारे में बताइए, वहाँ का जीवन कैसा है, कितने लोग रहते हैं, क्या खाते पीते हैं, कैसा वहाँ का जीवन है? मैम, खाने पीने का बोलने से पूरा गांव वाले मदद करते हैं, चावल दाल चावल ये सब गांव वाले देते हैं। तो खाना वही बनता है जंगल में? बनाते हैं हम। अच्छा, गंजी बर्तन ये सब लेके चलना पड़ता है, वहाँ पर परेशानी रहती है कि बरसात समय होने से नदी पार करना ये सब परेशानी रहती है, और बहुत ज़्यादा परेशानी महिलाओं के तो हर समय हर महीना आते रहती है, तो चलने का थोड़ा दिक्कत रहता है। फिर भी तो बहुत चलना पड़ता है क्या जी? कितना चलना पड़ता है दिन में? रात भर कभी कभी दमन फोर्स निकला है बोल के कवर सुनेंगे तो सोएंगे नहीं है, इसे चलते रहेंगे। जहाँ मुठभेड़ होगा वहाँ पैरिंग भी करना पड़ता है, बहुत सारे पानी उनी कभी खबर नहीं मिलता है, बहुत सारे परेशानी। आपने फायरिंग की है जी? आपको बंदूक चलानी आती है जी? आपने किसी को मारा है? ऐसे तो कोई बात नहीं है, कभी कभी ऐसे घटना होता था तो शामिल रहती थी, लेकिन मेरा गोली नहीं लगा ऐसे मतलब। तो वहाँ पे किस तरह का अभ्यास कराया जाता है, क्या क्या चीज़ें सिखाई जाती हैं शुरुआत में? मैम, शुरुआत में मैं 2 बार ट्रेनिंग की नक्सल मतलब जंगल के हिसाब से, तो डंडा से शुरुआत में डंडा में ट्रेनिंग देते हैं, उसके बाद राइफल। कितनी और लड़कियाँ वहाँ पे थी आपके ग्रुप में? मैम, हम लोग 30, हम लोगों के बटालियन में 30 रहते थे। कुछ बटालियन का नाम भी रहता था जी? आपके बटालियन क्या नाम? टू नंबर के मार्ड में जी। तो वहाँ पे आप लोग खाना वगैरह कैसे बनाते थे? थोड़ा आपको क्या कभी मारा पीटा भी उन्होंने? नहीं मैम, मेरे को तो मारपीट नहीं हुआ है, मेरे पिताजी को मारपीट हुई थी। पिताजी को क्यों मारे? मैम, वो
पटवारी काम करता था, तो नारायणपुर और अच्छा कभी कभार जाते थे अपना काम से, तो पुलिस वाले लोग के साथ मिलते हो, ऐसे काम करते हो, इधर उधर दोनों तरफ करते हो कि मारपीट के। तो जब आप वहाँ पे थे नक्सली में, तो आपका मन नहीं किया कि आपको वापस घर जाना है? मैम, मेरे पिताजी को मारपीट होने के बाद मैं बहुत सोचती थी, लेकिन बहुत दूर में थी तो आ नहीं सकती। मैं यहाँ नक्सली संगठन काम करते हुए मेरे पिताजी को ऐसे मारपीट किए, तो मेरा यहाँ रहने का क्या मतलब, ऐसे मैं बहुत सोचती। तो आपके मम्मी पापा का देहांत नक्सल में रहते ही हुआ क्या? जी, दोनों लोग उसी समय मरे। मम्मी कैसे मरी? मम्मी का सूजन हुआ था, मैं रायपुर ले गए थे तो इलाज नहीं हो पाया, तो पता नहीं। तो आप दोनों लोगों की लाशों को नहीं देख पाए? नहीं देख पाए। पर आपको खबर कैसे मिली कि वो मर गए? मैम, मेरे बड़े भैया है, वो मेरे को छुट्टी भेजा था कि अगर आएगी 2-3 दिन में आएगी तो मिल सकेगी बोल के भेजे थे, लेकिन मेरे को छुट्टी नहीं दी। चिट्ठी उन्होंने रख लिया? जी। तो इसको छुट्टी देंगे तो घर भग जाएगी बोल के ऐसे नहीं। क्या क्या वहाँ पे काम करवाया जाता था आपसे? मैम, कभी कभार किचन ड्यूटी लगता है, और ऐसे जगह रहता है, कहीं मीटिंग वीटिंग होता है तो संतरी रहना पड़ता है 2-3 घंटा, ऐसे पानी खोदना पड़ता है, गांव वालों के साथ काम करना पड़ता है। गांव वाले पहचान नहीं पाते आप कौन है? पहचानते हैं। पहचानते हैं, सपोर्ट करते हैं गाँव वाले? जी। कुछ कहते नहीं है? नहीं। तो जो नक्सली हैं वो क्या गांव वालों को भी क्षति पहुंचाते हैं? मैम, जो इंसान गलत करेगा उनको मारते हैं, या तो दो बार समझा के देखते हैं, 2 बार अगर नहीं समझा तो उसको मार देते हैं। क्या क्या बातें बताई जाती हैं वहाँ अंदर? मैम, जन अदालत मतलब जनता सरकार बनता है, जनता जो इंसान का गलत जैसे शब्द कोई सुनेंगे वो बता देंगे, तो उसको समझाएंगे ऐसे क्यों करते हो, मीटिंग क्यों नहीं आते हो, और हम लोगों का बात क्यों नहीं सुनते हो, ये सब होता है। तो जब आप 15 साल की थी, है ना, तो 15 साल की उम्र में जब आप वहाँ पहुँची, तो वहाँ पे आपकी उम्र के बहुत सारे लोग रहे होंगे, आप ही सबसे छोटी थी? मैम, हम लोग 16 जन थे, लड़के लोग 5 और हम लोग 3-4 लोग। तो जितने भी लोग वहाँ पे आए थे सबको ज़बरदस्ती उठा के लाया गया था? कोई ऐसे सबको ज़बरदस्ती नहीं ले जाते हैं, अपना मन से गाना शौकिंग रहता है, राइफल का शौकिंग रहता है, अपना मन से भी बढ़ते हो जाते हैं। लड़कियों को खासकर क्या मुश्किलें होती हैं? मैम, कभी कभार सीनियरिटी अनुसार कोई लड़की शादी करना नहीं चाहती, उसको भी थोड़ा बहुत आरोप पे भेदभाव होता है, मतलब सीनियर हो गई शादी क्यों नहीं करती। तो शादी करना ज़रूरी है? जी। उसी ग्रुप में शादी करना या बाहर से भी कर सकते हैं? कहीं भी, अगर पश्चिम दक्षिण पूर्व बस्ता है। पर नक्सल से ही शादी करनी पड़ेगी? जी, किसी और से शादी नहीं कर सकते? गांव वालों से तो बिल्कुल नहीं करते हैं, बात भी नहीं कर सकते? बात करते हैं करने के लिए, लेकिन नहीं कराते हैं। तो चाहिए बताइए, जब आप लोगों को पीरियड वगैरह आते हैं वहाँ से, तो फिर कैसे करते हैं वहाँ पे, कहाँ से पैड वगैरह मिलता होगा, कपड़ा वगैरह कहाँ से? पैड नहीं मिलता है, कपड़ा मिलता है, महीना में एक लुंगी मिलता है उसको काट के। ऐसे जंगलों में कितना सोते वगैरह कहाँ है आप लोग? टेंट लगाते हैं। टेंट लगाते हैं? जी। पर सोने का कोई टाइम फिक्स नहीं? नहीं। कितना घंटे सोते होंगे दिन में, रात में? दिन में आधा घंटा सोते हैं रेस्ट, उसके बाद रात में आराम से होगा तो सुबह तक 4 बजे तक सोते हैं। 4 बजे तक? जी हाँ, 4 बजे पहले उठ जाते हैं। दिन भर क्या करते हैं? दिन में अगर मीटिंग रहेगा तो जगह में रहेंगे, नहीं तो चलना पड़ता है। मीटिंग में क्या होता है? मीटिंग कुछ ना कुछ काम रहता है। जी, कभी गांव में रहेंगे तो मीटिंग करते हैं, गांव वालों को बुला के मीटिंग करते हैं, या तो CNM बनाते हैं, कमेटी बनाते हैं, बच्चे लोगों को बुला के ऐसे बालाल संगम बनाते हैं। चलिए चलते चलते बात करते हैं, आप बताइए थोड़ा कि आपने वहां से छोड़ा कैसे, कैसे आप आत्मसमर्पित हुए? मैम, मैं 2012 मार्च को नक्सली संगठन छोड़ी, उसके बाद कब छोड़ी? 2012 मार्च में। हाँ। और घर आने के बाद हम लोग को फिर संगठन काम करो बोल के मेरा। तो घर आप चुपचाप आई थी क्या? नहीं मैम, मतलब हम लोग को शादी करा दिए थे तो। आपकी शादी हो गई थी? जी, किसी नक्सल से ही करा दिए थे। और घर आने के बाद, शादी करने के बाद मेरा हस्बैंड घायल हो गया था।
तो चल नहीं पा रहा नक्सली हमें चल नहीं पा रहा था। तो हम लोग उसका भी मम्मी खत्म हो गई तो घर देखने जाएंगे बोलते आए और हम लोग अभी नहीं आएंगे बोल के उनको छुट्टी दे दी। फिर दो तीन बार मीटिंग करने आया था आप लोग ऐसे क्यों है सीनियर लोग हो जनता के बीच में काम किए हो और अभी क्यों छोड़े ऐसे सब पीछे। तो हम लोग जनता के लिए दुश्मन नहीं और किसी के लिए दुश्मन नहीं है। हम लोगों का जमीन जायदाद है कमा के खाएंगे। तो वहाँ पे फ़ोन नहीं रहता है किसी के पास फ़ोन नहीं रहता। बड़े लोग को शायद अभी रहता है पहले का ज़माने में जब आपके तो फ़ोन नहीं था बात करने का कोई माध्यम नहीं है। तो गाँव वो कैसे मीटिंग करते थे कैसे बैठक करते थे। मैम जो इंसान कमिटी में रहता है उनके उस ऊपर विश्वास हो उन्हीं लोगों को बुलाते बैठक करते हैं। अच्छा तो गांव जाके बैठक करते हैं या जंगल में बुलाते बुलाते हैं जंगल में। तो कैसे सूचना भेजते हैं क्या माध्यम रहते हैं। मैम गांव में तो बहुत सारे मतलब उनकी मदद से हैं जनते हम लोग तो पहले से ऐसे करते हुए आए हैं। अच्छा तो आप लोग भी पहले सूचना पहुँचाते थे उनको। जी कैसे सूचना पहुँचाते। मैं तो बाल संगम में भी नहीं थी। बाल संगम क्या चीज़ है। ये बच्चों लोगों को मतलब मोटिवेट करने के लिए। जी क्या मोटिवेट करते हैं उनमें उनको दिमाग में उनका कला मतलब गाना या डांस ऐसे तैयार करते हैं। उसके बाद वो विकसित होते होते उन लोगों का दिमाग थोड़ा उनका परिचय प्रमाण पत्र ऐसा पढ़ने के लिए देते हैं। तो स्कूल में भी ऐसे 17 संगठन बनाते हैं। कितने भाई बहन हैं आपके। मेरे दो भाई हैं एक बड़े भैया है एक दीदी है। अच्छा तीन लोग हैं। जी तो वहाँ के जीवन में और यहाँ के जीवन में क्या अंतर है। मैम वहाँ रहते समय तो वही रात भर दिन भर चलना पड़ता था यहाँ भी वही है लेकिन थोड़ा जीने का मतलब मैं जानी यहाँ आने के बाद। जीने का किस लिए जीना है किस लिए मतलब काम करना है ये सब मेरे को नहीं पता था। यहाँ आने के बाद मैं अभी खुद नौकरी कर रही हूँ। तो क्या कर पुलिस में हम। पुलिस में हो गई है। जी अरे वाह क्या करती हैं। अभी DRG में हम जस्ट जाते हैं। अच्छा जी तो अभी आपको तो नक्सलों के सारे ठिकाने पता होंगे। जी तो अभी कुछ मदद कर पाती हैं पुलिस की कि नहीं। होता है होता है। आपको डर तो नहीं लगता नक्सलियों से। मैम अभी तो मैं कभी उनसे मुठभेड़ भी ज़्यादा नहीं हुआ है। एक बार हुआ था लेकिन मैं उनको नहीं देख पाई। आपके परिवार वालों को ऊपर कोई हानि कोई दबाव कोई प्रेशर। मेरा परिवार वालों को मैं यहाँ सिलेंडर होने के बाद तेरी बहन दंतेवाड़ा जाकर सिलेंडर हो गई है तो बहुत मेरे बड़े भैया को मतलब मीटिंग ऐसे बड़े बड़े मीटिंग में बिठाए हैं और एक बार मारपीट भी हुआ इसीलिए मेरे से उन लोग नहीं मिलते हैं भाई भी नहीं मिलते हैं। तो आप बस्तर में नक्सली में थे। जी आप दंतेवाड़ा में नहीं थी पर सरेंडर आपने दंतेवाड़ा में किया। ससुराल है मैम। ससुराल है दंतेवाड़ा में। सरेंडर आपने यहाँ पे किया। जी आपके पति ने भी किया। जी अभी बच्चे हैं। एक जाने हैं। एक बेटा की बेटी। बेटा अच्छा है जीवन अभी का। जी बहुत अच्छा है। जो भी लोग आपको भी देख रहे हैं सुन रहे हैं हमारे चैनल सिरसा पूर्वल इंडिया में उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे। जो नक्सलियों को लेके एक सोच हमारी बनी है कि नक्सल बहुत जुर्म उठाते हैं आदिवासियों को मारते हैं। कुछ आदिवासी ऐसा भी कहते हैं कि नक्सल हमारे पक्ष की बात करते हैं वो सरकार से हमें सुरक्षित रखते हैं। आपका क्या कहना है। मैम हम लोग तो पहले ऐसे मतलब सरकार ऐसे मदद करता है ऐसे सब नहीं मानता। अभी तो हम जैसे बहुत लोग मतलब ऐसे जंगल में भटकते हुए काम करते हैं तो उन लोग भी जान क्यों देना है। बस्तर वाले सब तो जान ही दे रहे हैं लेकिन कोई मिलता नहीं है इसीलिए हम लोग मैं बोलना चाहती हूँ कि उन लोग भी हम लोग के जैसे आके सिलेंडर होकर अच्छे से घर दुआर बना दीजिए। आप ये बताइए कि सरकार को लेकर आप लोग क्या सोचते हैं क्या सोचते थे पहले जब नक्सल में थे आप। मैम हम लोग तो पहले से मतलब शुरू से ऐसे हम लोगों को सिखाया जाता था कि ये सरकार पुलिस ये सब कानून ये हम लोगों को मदद करने वाला नहीं लूटने वाला है ऐसे हम लोग तो हम लोग भी ऐसे समझते। आपके गांव से आप अकेले गए थे या और लोग भी गए। बहुत लोग हैं मैम। कितने लोग हैं। एक जन शहीद हो गया है और अभी कम से कम 5 हैं। तो जो शहीद हो जाते हैं उनके परिवार को कुछ मुआवजा वगैरह मिलता नहीं मिलता है कुछ भी नहीं मिलता।
क्या फ़ायदा वहाँ जाने का? बस वो हम लोग बोलते हैं कि शहीद होने के बाद मतलब वो मार्च क्लेमिंग बाद उनका सिद्धांत उन लोग कम्युनिस्ट बने, बस जनता एक दो बार नाम लिया वही लोगों को कोई मतलब नहीं रहता है। जो बस्तर में जो हिड़मा है, हिड़मा का नाम बहुत प्रसिद्ध है और हिड़मा की आप बहुत दिन तक गनमैन भी रही है ना? उसका गनमैन नहीं थी, हाँ सपना का, सपना का है ना, तो उनका आप हिड़मा का भी शायद बता रहे थे नहीं? उसको ऐसे मीटिंग में मुलाकात हुई थी, मीटिंग में मुलाकात हुई थी, लेकिन उसके बारे में उतना मैं नहीं जानती, ये मंजीपुरम उसी का डला। अच्छा, ऐसे मुलाकात होते थे कभी कभी मीटिंग में, मतलब हम लोग गनमैन करते समय उन लोगों का काम करते थे, थोड़ा वो इंसान था। तो थोड़ा बताइए उनके बारे में, किस तरह की उनको इंतजाम रहते थे, किस तरह की? मैम उस वो इड़मा के साथ एक कंपनी रहती है, वो कंपनी उनके लिए प्रोटेक्शन रहता है, अगर उसका बीच में जगह रहेगा तो अगल बगल में फंस रहेगी, वो नुकसान होने के बाद तो उनके जैसे बनने के लिए बहुत साल लगेगा, उसके जैसे चलाने के लिए मतलब फोर्स को कमांड करने के लिए, इसलिए तो एक व्यक्ति जो गांव का व्यक्ति नक्सल बनता है उसको हिडमा जैसे बनने के लिए कितने वर्ष लगते होंगे? मतलब बहुत साल लगता है मैम, उसके जैसे कमांड दिमाग सिद्धांत मतलब पढ़ाई। आप लोग वहाँ पढ़ाया भी जाते हैं जी? कितना पढ़ी है? आठवीं पढ़ी है। तो वहाँ पर क्या पढ़ाया जाता है? मैम टाइमिंग रहता है, सुबह 8 बजे नाश्ता के 10 बजे तक स्कूल रहता है, उसके बाद स्कूल में क्या पढ़ाया जाता है? वही मार्च लेनिन माओवादी, ये माओवादी सिद्धांत क्यों बनना है और सिद्धांत कम कैसे लेकर चलना है। तो यहाँ के लोग तो काफ़ी कम पढ़े लिखे हैं, तो उनको ये सारी चीज़ समझ में आ जाती है, मार्क्सवादी ये सिद्धांत ये सब समझ में आता है? नहीं आता है मैम, जो इंसान अच्छा से मतलब उसका पुस्तक पढ़ेंगे समझेंगे बहुत साल लगता है समझने के। आप तो आपने तो लंबा वक्त बिता रहा है, 10 साल होंगे, थोड़ा और वहाँ की यातनाओं के बारे में बताइए, अपने थोड़ा जीवन के बारे में बताइए, आपको क्या चुनौतियाँ चुनौतियाँ हैं, किन मुश्किलों का सामना करना है? मैम कभी कभी तो हम लोगों को इधर दमन होने से हम लोगों को चप्पल भी नहीं मिलता था, ऐसे पैदल बिना चप्पल का चलना पड़ता था, पानी नहीं मिलता था, बहुत सारे मुश्किलें पार करना पड़ा। कितना वजन लेके लगभग चलना पड़ता था? पानी राइफल मैगजी चावल दाल सब लेके चलना पड़ता। 10-15-20 किलो का वजन, चलते रहो चलते रहो चलते रहो, नहीं पता कहाँ जाना क्या करना। तो सर्दियों वगैरह में क्या कंबल वगैरह कहाँ छोड़ते थे? क्या मंगाते हैं वही गर्मी ठंडी ऐसे, तो इतनी गर्मी रहती इतनी लू लपट चलती है, तो जंगल में कैसे? मैम जंगल में तो पेड़ पौधे रहता है, उतना गर्मी कम समझ में नहीं। तो आप लोग जंगल से क्या बहुत अंदर रहते थे जहाँ कोई पहुँच ना पाता हो? जी। तो जब पुलिस वगैरह फायरिंग करती थी या CRPF के जवान फायरिंग करते थे तो आप लोग उस समय कैसा लगता था, उस समय क्या सोचते थे? मैम शुरू में फर्स्ट जहाँ एक नया नया फायरिंग मिलेंगे तो थोड़ा डर लगता है, मतलब मेरे को गोली लगेंगे तो कौन उठा के ले जाएगा ऐसे, तो बाद में आदत होता है तो अपने हाथ में हथियार रहता है तो किस बात की डर है, अपने भी हाथ में हथियार है तो हम भी लड़ेंगे। तो वहाँ जो एक बार चला जाता है क्या वहाँ से अपनी मर्जी से भाग नहीं सकता? नहीं मैम। क्यों? रास्ता हम पकड़ के मार देंगे, गांव वाले मिलिशा ये इन लोग संगठित मजबूत रहता है, जहाँ आदमी अकेला जा रहा हो उसको पकड़ के पूछताछ करते हैं, तो हम तो इतना साल वहाँ गुजर चुके हैं तो हम अकेला आएंगे तो हम पकड़ के मार देंगे। तो आप इसलिए आ पाए क्योंकि आपके पति घायल हो गए थे, तो पति के बहाने आप जी, नहीं तो नहीं निकल पाते? नहीं। अगर नहीं निकल पाते तो वहाँ पर ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो बिल्कुल, किस उम्र से लोग जाते हैं और कितनी उम्र तक वहाँ रहते हैं? मैम अभी तो आंध्र वाले बहुत डोकरी डोकरा डंडा पकड़ के चलते हैं, बहुत ही मतलब बस्तर के उतना डोकरी डोकरा लोग नहीं हैं, आंध्र वाले हैं, बस्तर के तो बस उनके माध्यम से जैसे उन लोगों का उन लोग जैसे बोलेंगे वैसे काम करेंगे, लड़ने के लिए वो बस्तर वाले हैं और
कानून तो चलाने वाले आंध्रा वाले हैं, बस लड़ने वाले बस्तर वाले। अच्छा। बस्तर वाले मरते हैं भी, लड़ने के लिए तैयार भी है। कानून आंध्रा वाले चलाते हैं जी, उनकी बात मानी जाती है, लीडर वही होते हैं जी। बस्तर के तो 2-3 लोग हैं, ज़्यादा नहीं। तो जो आपकी शादी हुई है वो आपकी मर्जी से हुई है, किसी को भी कह देते हैं शादी करना है बोल के? नहीं मैम, मैं तो सोचती भी नहीं थी यहाँ शादी करने से भी बच्चे इतने नहीं रखते हैं, तो शादी करने का मतलब क्या है, मैं ऐसे नहीं सोचती थी। बड़े लोग मेरे को शादी कराते हैं। अच्छा जी, तो किसी भी लड़के से करा दी है शादी? आप उसको जानते नहीं थे? नहीं जानते थे सर उन लोग तो। मेरा हस्बैंड तो डीके प्रेस में रहता था, मतलब पुस्तक बनाने में। मैं तो माड़ में रहती थी, उसको जानती तक नहीं थी, देखा भी नहीं था। तो कैसे शादी करा दी? हम लोगों को शादी के बाद किए तो हम लोगों को बटालियन में 2-3 महीना उसको भेज दिए थे, तो साथ में रहते थे। तो फिर शादी हुई जी। पति मारते फिरते नहीं? नहीं। कितनी उम्र होगी उनकी? उसका 31। 31 जी। खुश हैं अभी आप? जी मैम, मैं तो बहुत खुश हूँ। यहाँ आने के बाद मेरे को बेटा भी हुआ है, इसके लिए हम लोग दोनों नौकरी भी कर रहे हैं। अगर हम लोग जितना साल तक जिंदा है तो मेरा बेटा को बड़ा पढ़ाएंगे, और वो अगर पुलिस नौकरी करना चाहेगा तो करेगा, नहीं तो दूसरा कोई सफर। अच्छा, बस्तर में हम जितने भी लोगों से मिले, चाहे वो आदिवासी हों, चाहे वो जो समर्पित लोग हों, मतलब नक्सली समर्पित हों, वो सब लोग पुलिस को के लेके काफ़ी खिलाफ हैं कि पुलिस उनको बहुत परेशान करती है। आदिवासियों ने भी हमें बताया कि पुलिस से उनको सबसे ज़्यादा खतरा है, उनको नक्सलियों से खतरा नहीं है। तो आप क्या कहना चाहेंगे पुलिस में, जब आप खुद अब आप पुलिस में आ गई हैं और पुलिस की मदद से ही आप आत्मसमर्पित कर पाई हैं खुद को? तो मैम मैं भी पहले ऐसे सोचती थी कि पुलिस वाले महिलाओं के साथ ऐसे गंदा व्यवहार करके मार देते हैं, पर यहाँ आने के बाद समझ में आ रहा है कि पुलिस वाले उतना भी गंदा नहीं है, मतलब ऐसे महिलाओं को भी बिना पूछे बात भी नहीं करते हैं। अभी तो हम लोग साथ में रहते हैं फोर्स के साथ, तो मैं भी पहले ऐसे सोचती थी, बीच में CRPF वाले लोगों के साथ रखते थे, यहाँ पहले DRP नहीं था 2000 में, तो उनके साथ रहती थी, लेकिन मेरे को कोई कुछ नहीं बोला। तभी समझ में आया पुलिस वाले ऐसे नहीं हुए, ऐसे गलत बोलते हैं। वहाँ लड़कियों के साथ अंदर छेड़छाड़ वगैरह कुछ ऐसा होता है? ऐसे कोई बात नहीं। और जो नक्सल लोग हैं जो अंदर घरों में जाते हैं, वो किसी की तरह से प्रताड़ना करते हैं गांव वालों को, ऐसा कुछ? मैम ऐसे उन लोगों का नियम ऐसे नहीं है, मतलब महिलाओं को जेंट्स पुरुष महिला ये बराबर देखते हैं। अभी सेट्स ऑफ रूरल इंडिया पे बहुत सारे साथी सुंदरी को सुन रहे होंगे, तो हम लखनऊ से आए हैं, हमारे बहुत सारे साथी मित्र दिल्ली में रहते हैं, बहुत सारे पत्रकार, पर जब वो बस्तर आने की बात करते हैं सबको एक बात का डर रहता है कि वहाँ पे नक्सल रहेंगे, हम वहाँ पे कैसे जाएंगे, वहाँ पे मुठभेड़ होती रहती है आए दिन, वहाँ पे आए दिन बम फटते रहते हैं, आए दिन लोगों को मारा जाता है, तो हम सबके मन में एक खौफ जैसा रहता है, एक डर जैसा रहता है, एक दहशत जैसी रहती है। बस्तर की छवि भी लगभग इसी तरह से बनी है हम सबके दिमाग में कि वहाँ का जो एरिया है वो थोड़ा सा हम कह सकते हैं सेंसिटिव एरिया है, थोड़ा सा संवेदनशील क्षेत्र है, नक्सलियों का एक डेरा है, उसको लेके आप क्या कहना चाहेंगे? आपको बहुत सारे लोग सुन रहे हैं, तो आप उन पत्रकारों के लिए या उन साथियों के लिए क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि जब हम बस्तर में आए तो हमको बस्तर बहुत अच्छा लगा, तो आप क्या कहना चाहेंगे? मैम मैं तो बहुत उड़ीसा दिल्ली वाले पत्रकार लोगों से मिल चुके हैं, उन लोग पहले यहाँ आने के बाद ऐसे पूछते हैं कि आप लोग ऐसे जंगल एरिया में रहते हो, नक्सल क्षेत्र है, यहाँ कहीं दूर जाएंगे तो बम वम पड़ जाएगा, तो आप लोग क्या कर सकते हो? मैम हम लोगों को कहीं भी जाते हैं, हम लोगों का वो बम चेक करने वाला भी मशीन रहता है, इसलिए उनके सब कुछ रहता है, इसलिए हम लोगों को कोई बात नहीं, डर कोई बात नहीं। तो ये जगह जगह रास्ते में भी बम सेट कर देते हैं क्या? आपने किया है कभी सेट? नहीं मैम, मैं मेरे को ऐसे वाला तो नहीं थी, बस पर वो लोग करते हैं जी। ओ, सुई लगाने वाला सिरप से भी बनाते हैं, टिफिन बम से भी बनाते हैं, सब तो ये बम वगैरह सब वही अंदर ही बनता है क्या? जी मैम ऐसी कैंप ताना हमला करते हैं तो वहाँ ऐसे बारूद से रखते हैं। तो ये सब जो हथियार हैं, जो ये बम है, ये कौन ला के ले जाता है? बाहर से आता है ना मैम, टूटा Thank you.
मंगाते हैं। वह शहर में भी बहुत लोग हैं, मतलब ऐसे उनको मदद करने वाले पहले रहते थे, शायद अभी कम हो गया। अच्छा, तो ये लोग सामान लेके चलते कैसे हैं, सर पे रखते हैं या पीठ में बांध के कैसे चलते हैं? पीठ में तो अपना बैग रहता है, बाकी वो सामान वहीं कहीं गाड़ देते हैं क्या खुद के? नहीं, ऐसे मतलब खाने पीने के लिए ऐसे सिर में बोझ के ले जाते हैं, बाकी पैसा कपड़ा लत्ता ये सब गड़क होते हैं। तो अभी भी लोग जा ही रहे होंगे, आपके गाँव के जो लोग गए वो वापस नहीं लौटे? मैम अभी तो अर्जा गड़ी अर्जी बना है, तो इन लोग सब पहले नक्सली काम करके अभी पुलिस तरफ गए तो सबको मार देंगे बोल के डर की वजह से भी जा रहे हैं। पहले ऐसे नहीं था कि पुलिस आके मारेंगे, पहले ऐसे गश्ती उतना नहीं चलता था, कभी मुठभेड़ होता था। लेकिन अभी अपना कमटी वाले भी आके सिलेंडर होते तो शायद सिलेंडर होके जाके घर में भी काम कर सकते हैं, उनको तो पकड़ के रख नहीं सकते हैं, यहाँ भी अपना मन मर्जी है, मतलब यहाँ आके सिलेंडर नाम कटा के अपना नाम कटा के भी जा सकते हैं, उसको जबरदस्ती रखने का नियम नहीं है। अच्छा, पर वहाँ से निकल कैसे सकते हैं, सवाल तो इस बात का है। मैम बहाना बना के आ सकते हैं, लेकिन अगर पता चला तो उन लोग मार देंगे, वही डर के लिए हम लोग करते हैं। अच्छा सुंदरी, शुरुआत में ही आपने बताया था हमारे इंटरव्यू में कि आपको वो इसलिए पकड़ के ले गए क्योंकि आप गाती बहुत अच्छा हैं, थोड़ा सा कुछ सुनाइए। और अभी तो आप सुनाए शहीदों पे बहुत अच्छा लिखती हैं, गाती हैं, अभी भूल गई मैं, कुछ भी गाइए, दो लाइन गाइए, बस दो लाइन सुना दीजिए प्लीज। गोंडी वाला है, गोंडी में सुनाइए। ये नकल डोला ले गुते ने मन बदकड़ बदल की ले पाट पर काल, ये नकल डोला ले गुते ने मन बदकड़ बदल की ले पाट पर काल। इसका मतलब क्या है मैम? इसका मतलब है, मतलब नाचेंगे अपना डपली लेके, अपना बदकड़ बदली करेंगे। तो बहुत शुक्रिया सुंदरी आपको हमारे साथ जुड़ने के लिए। सुंदरी ने अपनी आपको समझाने की कोशिश की, पूरा बताया कि कैसे नक्सलियों का जीवन होता है, वो खुद 10 साल उस संगठन में रही हैं और कैसी उन्हें किन किन यातनाओं का सामना करना पड़ा, अभी उनका जीवन कैसा है, पहले और अब में क्या फ़र्क है, अभी वो एक खुशहाल ज़िंदगी जी रही हैं। अब जिस लड़के से उनकी शादी हुई तो उस लड़के के बारे में उनको पता नहीं था, वो भी एक नक्सल लड़का था। तो पूरा उन्होंने पढ़ते दर पढ़ते खोली हैं कि नक्सल में शामिल होने से लेकर नक्सल से बाहर निकलने तक उनके जीवन में क्या फ़र्क आया है। तो ऐसे यहाँ पे दंतेवाड़ा ज़िले में कई तरह के अभियान चलाए जा रहे हैं जिसमें आत्मसमर्पित जो नक्सली हैं उनको रोज़गार से जोड़ा जा रहा है, जैसा कि सुंदरी ने बताया कि पुलिस में काम कर रही हैं, कई तरह के रोज़गार से जोड़ा जा रहा है। सरकार, हम कह सकते हैं पुलिस प्रशासन का एक अच्छा कदम है और जो पुलिस की छवि बनी है सुंदरी ने काफ़ी हद तक उसको क्लियर करने की कोशिश की है कि जो छवि जो हमें बताया गया था शायद पुलिस उससे बिल्कुल इतर है। तो बहुत शुक्रिया सुंदरी हमारे साथ जुड़ने के लिए, और आप बहुत सारे वीडियो देखने के लिए हमारे